नाम सोनिया है और जे वेरके के रहने वाले हैं और जे सिस्टर की गवाही जे जे बता रहे कि एक महीने से इनको लकोरिया की बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, जिसके कारण इनके गुप्त अंग में खारिश की भी प्रॉब्लम थी और जे बहुत ज्यादा परेशान हो चुके थे इस प्रॉब्लम के कारण। जे बताते कि जब भी जे वॉशरूम जाते थे तो इनको व्हाइट कलर के लकोरिया के पेस आते थे, जिसके कारण जे बहुत परेशान थे और इनको इनकी बॉडी में भी बहुत ज्यादा वीकनेस हो गई थी और जे सिस्टर इसके कारण दो मीटिंग्स में भी नहीं आ सके। और इन्होंने बताया कि जो 3 अप्रैल की मीटिंग में भी नहीं आए और उसी रात इन्होंने बताया कि सपने में प्रभु के दास के द्वारा इनके लिए ले हैंड हुई और जैसे ही सपने में ले हैंड हुई तो उस समय प्रभु की ग्रेस ने इनको श्योर जब बता के नेक्स्ट शाम तक पूरी तरह से परमेश्वर ने इस प्रॉब्लम से इनको अच्छा कर दिया और आज तक जो बहन पूरी तरह से इस प्रॉब्लम से आजाद हो चुकी है। इस गवाही के लिए परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं। ये कितने दिन पहले की बात है? 1 महीने से जो प्रॉब्लम थी, 1 महीने से प्रॉब्लम थी, ये सपने की बात कितने दिन पहले की? 3 अप्रैल। 3 अप्रैल, आज कितनी है? 7, 8, 8 मई, कितनी? 3 अप्रैल जी। और आज 8, आपने अच्छे से चेक किया ना? इतने अभी अब रोज वॉशरूम जाती हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई व्हाइट कलर की वो पसनी आ रही, कुछ नहीं। देखो कितना बड़ा काम खुदा ने किया। हाँ, ऐसे ही बोल रहे हैं कि पीसेस, जैसे जब वॉशरूम जाते हैं तो व्हाइट कलर के पीसेस बाथरूम में आ रहे हैं। बोलो क्या है? और देखो, इसीलिए परमेश्वर, मैंने कहा ना, अपना काम खुद वो कोई भी अपने आप नहीं करता, तो खुद नहीं किया, परमेश्वर ने मुझे सपने में लेकर जाकर इनके ऊपर ले हैंड की। ये कितने समय पहले प्रॉब्लम आई थी? 1 महीने, 1 महीना पहले, 1 महीने पहले। और आज 3 अप्रैल से लेकर मान लो 7, 1 महीना हो गया, कोई प्रॉब्लम नहीं, कोई कुछ नहीं। बोलो क्या है? कोई प्रॉब्लम नहीं है इस बीमारी के लिए। लोग, ये एक ऐसी नामरात बीमारी है ना, ऐसे लकोरिए की, लोग इतनी मेडिसिन, हजारों लोगों ने, मैंने लगा लाखों रुपया भी ऐसी इस बीमारी पर खर्च किया, बहुत सी इंग्लिश, देसी, पता नहीं क्या क्या, पर वो ये अच्छी नहीं होती। क्या नहीं होती? ये एक ऐसी नामराद एक बीमारी ऐसी, वो अच्छी नहीं होती। कई बार मेडिसिन लोग, मैं मिला हूं लोगों को, बहुत लोगों को मिला हूं, उन्होंने बहुत मेडिसिन खाई पर वो मेडिसिन से हुई। अब परमेश्वर जानता है ना हर एक के मन को, जो उन्होंने अपना मन, अपना विश्वास, भरोसा खुदा पर रखा। इसलिए मैं कहता हूं कि परमेश्वर सोते सोते भी क्या करेगा, जब आपका मन सही रहेगा, आपका मन अच्छा होगा, आपका मन स्थिर होगा उस पर, तो वो सोते सोते भी क्या करेगा? बोलो क्या करेगा? मैं क्या कह रहा हूं, सोते सोते भी वो अपने काम करेगा। क्या करेगा वो सोते सोते भी? जब आपका पूर्ण भरोसा, पूर्ण प्रेम किसके साथ होगा, वो आपके सपने भी आएगा और आपको भी हील करेगा, वो अच्छा करेगा। मैंने कहा अगर आप इस रीति से तैयार हो इस गवाही के साथ, चली जा बीमारी, तो आपके जीवन में भी वो करेगा। ए शरीर यसुदा, जा चली जा बीमारी, ए शरीर यसुदा। तो प्रेरित जी जे चाहते हैं कि जे इनकी चाहते कि जे वर्शिप सॉन्ग की 2 लाइनों से परमेश्वर की महिमा करना चाहते हैं। माइक दो जी, माइक। हालेलुया, धन्यवाद है परमेश्वर दा कि मैं जे मैनू कोई प्रॉब्लम ना होंदी ते मैं अज इस जगह ते ना होंदी। मैं बहुत सारा धन्यवाद करदी हां परमेश्वर दा कि उन्होंने मैनू इस पवित्र हजूरी विच बुलाया है। हां, नोट करो इस चीज को, अगर किसी को कोई प्रॉब्लम ना होती, क्योंकि यीशु मसीह के पास कोई, जो बंदा सुख में, जो बिल्कुल सही सलामत है, वो नहीं आते। यीशु के पास कौन आते हैं? जो संसार में दुखी हैं, परेशान हैं, दबे हुए लोग आते हैं। पर ये बड़ी बात ये है कि उन बड़े हालातों ने, उन दुखों ने हमें सच्चा खुदा मिला दिया। तारीफ करो जोर से, जोर से। हाँ, वो सच्चे खुदा के लिए और अपने हालातों के लिए, अपनी बीमारियों के लिए, अगर ये प्रॉब्लम ना होती तो हमें सच्चा परमेश्वर मिलता ना। हाँ, गाओ। सब लोग रिक्वेस्ट करेंगे कि सब मेरे नाल परमेश्वर की महिमा करेंगे। हालेलुया। लवांगा नाम उदा,
ना मैं घबरावांगा लवांगा ना मैं उदा मैं सब वांगा I'm not.